जयमल के षड्यंत्रों का भंग कुचल गया है जैसे। वो औरत जल्द ही नहीं मिली तो क्या हो सकता है, ये आप जानते हैं। उसकी चालें क्यों चूक रही हैं? इधर अजमेर में वर्षों की साध पूरी हुई, उधर पुष्कर जी का आशीर्वाद फलित हुआ और राजमहल को खुशियों के पंख लग गए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप जानते हैं, हम बड़ी मां बन गए हैं और आप बड़े पिता। जानते हैं आप बहुत प्रसन्न होंगे, आज अजमेर जा रहे हैं हम, आपकी ओर से भी आशीर्वाद देंगे आपके छोटे बेटे को। दांव खेलते हैं आप, पर यह अचानक तलवारबाजी कैसे? देख रहे थे कि कहीं समय की दीमक हमारी भुजाओं की शक्ति को तो नहीं चाट गई। बिल्कुल नहीं, हमारे काका दिमाग के साथ साथ तलवार के भी धनी हैं। काका जी, आपको समाचार तो मिल ही गया होगा कि अजमेर में कुंवर का जन्म हुआ है। हाँ, इसीलिए तो हम यहां अभ्यास करने चले आए। शत्रु का क्या भरोसा, कभी भी आक्रमण करते। आप शत्रु की बात कर रहे हैं, हम कुंवर की। आज हम बहुत खुश हैं काका। जानते हैं, सदा से हमें एक कमी खलती थी कि हमारा कोई छोटा भाई नहीं, और आज वो भी पूरी हो गई। जान पड़ता है कि हमारे ऊपर खुशियों की बारिश हो रही हो। ये खुशियों की बारिश नहीं महाराज, समस्याओं की बारिश है। और वो अजमेर का कुंवर आपका भाई नहीं, कन्नौज का शत्रु है। आपकी बातें सदा हमारी समझ से परे होती हैं। काका जी, वो नन्ना सा कुंवर भला कैसे हमारा शत्रु हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो गया है। अब तक आप अकेले अपने नाना के उत्तराधिकारी थे, परंतु अब दिल्ली के राज्य में वो नन्ना सा कुंवर आधे का भागीदार हो गया है। और हमें तो संदेह है कि कहीं महाराज अनंगपाल उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित न कर दें, क्योंकि वे कन्नौज से अधिक महाराज सोमेश्वर को प्रेम करते हैं। नाना जी किसे अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और किसे नहीं, इससे हमारे दिल में नाना या अजमेर कुंवर के प्रति प्रेम कम नहीं हो जाता। यही बात तो हम आपके पिता को समझाते रहे कि भावनाएं एक राजा के लिए घातक होती हैं, परंतु वे नहीं माने। वे अजमेर की खुशियों के लिए प्रार्थनाएं करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, और बदले में क्या मिला? अकाल। कितनी बार आपसे कह चुके हैं कि इस विषय पे बात मत किया कीजिए, और याद रखिए, हमारे पिताजी ने अकाल मृत्यु नहीं, युद्ध भूमि में शत्रुओं का सीना छलनी करते हुए वीर गति पाई है, और हमें उन पे गर्व है। क्षमा करें महाराज, परंतु ये आपको बताया गया है कि
कि वे वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु यह भी तो हो सकता है कि किसी षड्यंत्र के तहत उन्हें मार दिया गया हो। बस काका, बस। अगर आप हमारे काका ना होते तो हम आपको बता देते कि तलवार के कुछ वार सीधे गर्दन पे पड़ते हैं, जिनकी कोई काट नहीं होती। सरस्वती भगवती निःशेष जाजापहा। कविराज, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तुझे देखने को आंखें तरस गई थी। हम भी आपके बिना आधे मन से जी रहे थे। जानते हैं आप दीदी, दीदी आप अकेले हो गए और ये सब कुछ
कारण हुआ है, हमारे कारण। मत्रो, मत्रो पगली, इन सूख चुके आंसुओं को और आराम मत करो, नहीं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। कुंवर का जन्म ऐसे नक्षत्रों में हुआ है जिसमें महापुरुष ही जन्मते हैं। नक्षत्रों की गति बताती है कि कुंवर का भविष्य सुनहरा है, वे संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेंगे। वे एक महान योद्धा और आदर्श राजा सिद्ध होंगे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं होगा, वे अपनी प्रजा को संतान की तरह प्रेम करेंगे। बिल्कुल अपने पिता की तरह। कुंवर का व्यक्तित्व अत्यंत भावुक होगा, उनके निर्णयों पर दिमाग से अधिक दिल का प्रभाव रहेगा। उनका हृदय दानवीर कर्ण की तरह विशाल होगा, उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। कम शब्दों में कहे तो उनके राज्यकाल में इस पृथ्वी पर उनके बराबर का कोई राजा नहीं होगा। तो फिर हमारे कुंवर का नाम पृथ्वीराज राज होना चाहिए। वाह महाराज, आपकी वाणी में तो सरस्वती का वास है। वैसे कुंडली में कुंवर का नाम वो अक्षर से ही शुरू होता है। कुंवर पृथ्वीराज चौहान की जय। 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 पृथ्वीराज को संगीत और कविता से विशेष प्रेम होगा। उनके जीवन में श्रृंगार और प्रेम रस का बहुत महत्व होगा। वे इतिहास में एक महान प्रेमी के रूप में जाने जाएंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है महाराज कि पिता अपने सुंदर कन्याओं को आपके बेटे से छिपाकर रखेंगे। सारे गुण तो अपने पिता से लिए हैं, हमसे तो एक भी गुण नहीं लिया कुंवर ने। क्या हुआ पुरोहित जी, आप रुक क्यों गए? आगे पढ़िए। क्षमा करें महाराज, लगता है गणना करने में असावधानी हो गई है। आप निर्भय होके कहिए। कुंवर का जीवन संघर्षों से घिरा हुआ है। उनका अधिकांश समय युद्ध भूमि में ही बीतेगा। कोई दूर देश का शत्रु उन्हें बार बार चुनौती देगा। दूर देश का शत्रु? सकता है
पुरोहित जी से गणना करने में कुछ असावधानी हो गई हो। वो सब तो ठीक है दीदी, पर ये सदा हमारे साथ ही क्यों होता है? अभी तो हम खुशियों को ठीक से छू भी नहीं पाए और अचानक फिर से संकट के बादल घेरा है। बेटा, जीवन तो जल की धारा है और सुख दुख तो पड़ाव। जीवन इन पड़ाव पर आकर रुक तो नहीं जाता। हमें जीवन को उसी रूप में जी लेना चाहिए जिस रूप में वो हमारे सामने आता है। इसी में हमारी जीत। हम ये सब समझते हैं माँ, पर अपने दिल को कैसे समझाएं? हम इस बात को कैसे स्वीकार करें कि हमारे दूध धोए लाडले का जीवन कष्टों से भरा हुआ है? माँ, जब से पुरोहित की वो बात सुनी है, वो बात हमारे दिल में तीर की तरह धस गई है। माँ बताइए ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे लाडले के सारे संकट अपने पर ओढ़ ले और हमारे लाडले का जीवन खुशियों से भर जाए? बेटा, अगर माओ के बस में होता तो अपने भाग्य के हर सांस पर वो अपने संतान का नाम लिख लेती। लेकिन ऐसा कहीं होता है पगली? माँ तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती है अपने संतानों के लिए। करता तो वो है सब कुछ, ऊपर वाला। वहीं पर आसमान चीरो, धरती खोदो, कुछ भी करो, उस वैद्य की पत्नी को खोज कर लाओ। यदि वो महाराज के पास पहुंच गई तो हमारी सारी की सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। हमने उसे कहां कहां नहीं खोजा ठाकुर जी। कन्नौज का चप्पा चप्पा छान मारा, उसके सगे संबंधियों को घोड़े मार मार कर उसका पता पूछा, किंतु किसी के भी पास उसके बारे में कोई समाचार नहीं। ठाकुर जी, मुझे तो लगता है कि वो कन्नौज की सीमा से बाहर जा चुकी। तो तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम भी कन्नौज की सीमा के पार चले जाओ और उस समय मेरे पास वापस आना जब तुम्हारी ये तलवार उस वैद्य की पत्नी के रक्त से रंगी हो। जाओ। आप अभी तक सोए नहीं पिताजी? बुढ़ापे और नींद का पुराना बैर है। बिस्तर पर लेटता हूं तो हजारों चिंताएं मन को घेर लेती हैं। तुम इस समय? आपसे बात करने को मन चाह रहा था। तुम्हारी चिंता समझता हूं, पर राजा का जीवन शत्रुओं और षड्यंत्रों के बीच गुजरता है। पृथ्वी की कुंडली में ऐसा कुछ नया नहीं है जिसके लिए चिंतित हुआ जाए। और फिर हीरा जितना कटता है उसकी चमक उतनी बढ़ती है, और राजनीति में कौन किसका सगा होता है? क्या हम हर पल हर किसी से सजग नहीं रहते? और रहना भी चाहिए। विश्वास की सीमा कहां पे खत्म होती है और धोखा शुरू, ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। और कन्नौज से हमारे लिए विष यहां पहुंच गया है, तो फिर विश्वास जैसे शब्द का अर्थ ही क्या है? हमारी चिंता का कारण यही है। यदि इस विष का रहस्य खुल जाए। हमारे सैनिक उस वैद्य की पत्नी को खोज रहे, परंतु खोज तो वे भी रहे होंगे, पता नहीं जीवित भी है या नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।